चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे अकाउंटेंसी में इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज, जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ जो बच्चे बीकॉम एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। लास्ट वीडियो में 80 तक क्वेश्चन देख चुके हैं, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से लेके 90 तक। इस क्वेश्चन में सर डिबेंचर से रिलेटेड भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 81, ऋण पत्रधारी प्राप्त करते हैं, डिबेंचर होल्डर्स रिसीव। ऑप्शन ए है लाभांश डिविडेंट, बी है ब्याज इंटरेस्ट, सी है लाभ प्रॉफिट और डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो इंटरेस्ट यानी ब्याज प्राप्त करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्याज इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 82, ऋण पत्रों पर ब्याज की दर होती है। ऑप्शन यहां पे दिया गया है 12% पर एनम, बी है 20% पर एनम, सी है फिक्स रेट और डी है 15% पर एनम। तो जो ब्याज की दर होती है ऋण पत्रों पे वो एक निश्चित दर से होती है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी फिक्स्ड रेट निश्चित दर। क्वेश्चन नंबर 83, ऋण पत्रों को आर्थिक चिट्ठे में शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जा सकता है। ऑप्शन यहां पे दिया गया है ए है शेयर कैपिटल, बी है रिजर्व, सी है लॉन्ग टर्म बोरोइंग और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मतलब जो डिबेंचर होते हैं उनको हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंडर में दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, कंपनी अंश पूंजी तथा ऋण पत्र नियम 2014 के अनुसार शोधन के पूर्व ऋण पत्रों की राशि का कितने प्रतिशत से ऋण पत्र शोधन कोष का निर्माण करना होगा। अकॉर्डिंग टू कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014 बाई विच परसेंट ऑफ अ कंपनी विल हैव टू क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ऑफ द अमाउंट ऑफ द डिबेंचर टू बी रिडीम्ड। ऑप्शन यहां दिया गया है ए है 50%, बी है 25%, सी है 70%, डी है 100%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 25%, 25%। क्वेश्चन नंबर 85, ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात सिंकिंग फंड लेखा का शेष अंतरित होता है। द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड अकाउंट आफ्टर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज ट्रांसफर्ड टू। ऑप्शन ए है लाभ हानि विवरण में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बी है लाभ हानि आधिक्य विवरण में सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सी है समान संचय लेखा में जनरल रिजर्व अकाउंट और डी है सिंकिंग फंड लेखा में सिंकिंग फंड अकाउंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जनरल रिजर्व अकाउंट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 86, अपने ऋण पत्रों के रद्द करने पर हुए लाभ का अंतरण होगा। प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ ओन डिबेंचर इज ट्रांसफर्ड टू। ऑप्शन ए है लाभ हानि विवरण में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बी है लाभ हानि आधिक्य विवरण में सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सी है समान संचय लेखा में जनरल रिजर्व अकाउंट, डी है पूंजी संचय लेखा में कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी पूंजी संचय लेखा में कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 87, यदि 1,00,000 रुपए के ऋण पत्रों का निर्गमन 10,000 के बट्टे पे किया गया हो जो कि 4 वर्षों के बाद शोधनी हो तो लाभ हानि विवरण से वार्षिक बट्टा अपलिखित किया जाएगा। इफ डिबेंचर्स ऑफ ₹1,00,000 वेयर इश्यूड फॉर डिस्काउंट ₹10,000 विच आर रिडीमेबल आफ्टर 4 ईयर देन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम पीएल स्टेटमेंट ईच ईयर इज। ऑप्शन यहां पे दिया गया है
3000 रुपीज, बी है 4000 रुपीज, सी है 2500 रुपीज और डी है 5000 रुपीज। तो टोटल यहाँ पे डिस्काउंट का जो अमाउंट है 10000 रुपीज है और डिबेंचर का रिडम्पशन 4 साल में होना है। तो जितने साल में रिडम्पशन होना है उससे हम डिस्काउंट के अमाउंट को डिवाइड कर देंगे। तो 10000 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आएगा 2500। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 2500 रुपए, 2500 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 88, ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि को दिखाया जाता है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज शोन। ऑप्शन ए है चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, ऑन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बी है चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, ऑन लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट। और सी है लाभ हानि विवरण के क्रेडिट पक्ष में, ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी लाभ हानि विवरण के क्रेडिट पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 89, सिंकिंग फंड विनियोग लेखा के विक्रय पर लाभ को अंतरित किया जाता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर टू। ऑप्शन ए है लाभ हानि विवरण में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। बी है समान संचय में, जनरल रिजर्व। सी है सिंकिंग फंड खाते में, सिंकिंग फंड अकाउंट। डी है पूंजी संचय में, कैपिटल रिजर्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सिंकिंग फंड खाते में, सिंकिंग फंड अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 90, ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है। डिबेंचर कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ। ऑप्शन ए है प्रॉफिट, बी है कैपिटल, सी है प्रोविजंस और डी है ऑल ऑफ दीस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी ऑल ऑफ दीस। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।